त्रिस्तरीय पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बुधवार को जिला पंचायत सभागार में मीडिया कर्मियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में मास्टर ट्रेनर आर के शर्मा ने प्रत्याशियों के व्यय के बिंदु पर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि एमसी दल चुनाव के दौरान प्रसारित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के समाचारों पर निगरानी रखने के लिए गठित किया गया है। किसी भी मीडिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नकद या किसी प्रकार की कीमत के लिए किसी समाचार या विश्लेषण के विचार के रूप में किसी प्रकार के प्रतिफल के लिए प्रदर्शित करना पेड न्यूज़ के दायरे में आता है। मीडिया में पेड न्यूज़ पर विशेष निगरानी के लिए एमसी चुनाव संबंधी विज्ञापनों को छानबीन करता है। इसमें थोक, SMS, आवाज़ संदेश, TV चैनल, केबल नेटवर्क, रेडियो आदि में प्रदर्शित या सोशल मीडिया समाचार पत्र किसी भी अन्य प्रकार प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचारित करना पेड न्यूज़ की श्रेणी में रखा जाएगा। पेड न्यूज़ संबंधी जानकारी सामने आने पर प्रत्याशी को नोटिस दिया जाएगा। यदि वह इनकार करते हैं संबंधित चैनल या समाचार पत्र के संपादक को दोषी माना जाएगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या मापदंड है इसमें? एमसीएमसी की एक्चुअली में ये ट्रेनिंग थी जिसमें हमारे एक SDM लेवल के अधिकारी रहते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है और एक मीडिया से व्यक्ति लिया जाता है और सारे पत्रकारों को इसमें बुलाया गया था कि ताकि इस तरह की न्यूज़ जो कैंडिडेट कभी कभी पैसा देकर न्यूज़ खरीदने की कोशिश करते हैं उसको कैसे पकड़ा जाए। तो मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी की ये बैठक थी तो उनको इस संबंध में ये सारी जानकारियां यहाँ पर दी गई। हालांकि पार्षद के चुनाव में ऐसी उम्मीद की जाती है खर्च की सीमा बहुत कम है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं वही रूल से यहाँ पर फॉलो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। सर, उच्चतम किस प्रकार का दंड रखा गया इसमें? यह है कि अगर इस तरह की न्यूज़ है एमसी जो हमारी कमेटी है पाती है तो निश्चित रूप से उनको ये नोटिस जाएगा कैंडिडेट को। तो अगर वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक्सपेंडिचर में उनके व्यय के लेखा में उनका व्यय ये जोड़ा जाएगा और अन्यथा उनको एक नोटिस दिया जाएगा और निर्वाचन आयोग के कानून के मुताबिक अगर ये पेड न्यूज़ की श्रेणी में आती है तो संपादक को भी और इनको भी जो राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध कार्रवाई है वो कार्रवाई उनके होगी। ठीक सर, क्या नाम सर आप? मैं RK शर्मा, मुख्य मास्टर ट्रेनर खरगोन डिस्ट्रिक्ट का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।